बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ ने सोमवार को जीडीए उपाध्यक्ष अमित सिंह बंसल के समक्ष एक और सेट में पर्चा दाखिल किया। इस संबंध में कुश सौरभ ने बताया कि नामांकन दाखिल करने में कुछ त्रुटि ना रह जाए, कुछ छूट ना जाए, इस वजह से आज एक और सेट में नामांकन दाखिल किया हूं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए बांसगांव लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी कुश सौरभ ने कहा, मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में कुश सौरभ राव अपना दूसरा सेट मैंने दाखिल किया है नामांकन हेतु, और कोई त्रुटि न रह जाए, कोई शंका न रह जाए, इसलिए दाखिल किया गया है। बांसगांव में जनता के बीच हमारा मुख्य मुद्दा रहेगा, जो धुरिया पार चीनी मिल है वो किसानों की, गरीब किसानों की जमीन लेकर के बनाई गई थी और कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर स्थापित किया था, लेकिन कालांतर में उसको बंद कर दिया गया है और जो क्षेत्र के लोगों को रोज़गार मिल रहा था, किसानों को आय मिल रही थी, वो पूर्णतया बंद हो गई है। मैं उस परिसर में कोई न कोई नया उद्योग ऐसा लगवाऊंगा जिससे हमारे रोज़गारों को, हमारे नौजवानों को रोज़गार मिलेगा और दूसरा किसानों की आय में वृद्धि होगी। दूसरा मेरा जो लक्ष्य है ये है कि जो हमारा बांसगांव संसदीय क्षेत्र है गोरखपुर का, वो राप्ती नदी के दोनों ओर बसा हुआ है, कटता रहता है, बंधा जो है, जो हमारी पुरानी सरकार ने, हमारी कांग्रेस की सरकार ने बनवाई थी, वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गया है। आप जानते हैं जब बाढ़ आती है, जब बाढ़ आती है तो लोग चौकीदारी करते हैं कहीं टूट न जाए, कहीं कट न जाए, कहीं गांव बह न जाए। मेरी ये प्राथमिकता होगी कि ये जो कच्चा बंधा है इसको मैं, इसका पक्काकरण कराऊँगा। और तीसरा ये है कि जो हमारा चौरी चौरा क्षेत्र में सरदारनगर में चीनी मिल सरैया है उसको मैं चालू करवाऊंगा, गन्ना किसानों का जो भुगतान है उसको कराऊंगा, साथ ही जो आपका बरही और उसके आसपास दो पुल लगभग 19 साल से उद्घाटन करके पड़े हुए हैं जो कांग्रेस सरकार ने किया था, वो अब भी अधूरे पड़े हैं और उसको मैं, उस पुल को बनवाऊंगा। ये मेरी मुख्य प्राथमिकता है। तो बांसगांव में मेरी लड़ाई भाजपा से है,